तो गाइस आज मैं देने वाला अपनी साइकिल का 6 मंथ के बाद यूजर रिव्यू। इस साइकिल का सबसे खास बात है जो कि है कि ये सारी साइकिलों से अलग चमकती है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो है सोसाइटी में रहता है और इसके पास ये वाली साइकिल है। तो भाई जब से ये साइकिल लिया तब से क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या कैसा सीन क्या है? जब से मैं चलाता हूं सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चला लूं साइकिल। अरे वाह, ऐसा भी कुछ है क्या भाई साइकिल के साथ? हाँ भाई, बढ़िया यार, वैसे बहुत औसम लग रही है यार। जैसा आप देख रहे हो वैसे सिटी के हिसाब से बहुत औसम साइकिल है, कलर काफी ब्राइट है जो कि काफी अच्छा लगता है। सिटी यूज के लिए तो इससे शायद अच्छा कुछ है नहीं, सिटी में ही चलाई ना अभी तक। हाँ। बाहर ऑफ रोडिंग वगैरह कोई टेस्ट किया है अभी? थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग, मतलब पहाड़ पे नहीं गए अभी, अरावली वगैरह नहीं गए? नहीं गए भाई। तो क्या कभी प्लान है अरावली जाने का? देखते हैं कभी जाएंगे अपने भाई के साथ। अच्छा, तो देखते हैं भाई इस साइकिल को अरावली पे लेके जाएंगे। तो इस साइकिल का ऑफ रोड भी बस आने वाला है, तो जिसको साइकिल पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करके रख लो, ऑफ रोड कमिंग सून। तो भाई ये रही हमारी साइकिल और पीछे जो है सोसाइटी है और काफी मस्त लग रही है भाई सोसाइटी के साथ। तो भाई जो भी सिटी में रहता है ना, आई प्रेफर बीस्ट भाई, बेस्ट है। तो भाई ब्रेकिंग का कैसा क्या फील लगा है आपको अभी? एक नंबर का। और गियर्स का क्या सीन है? वो भी एक नंबर है। गियर वैसे इसमें कौन से मिलते हैं हम देखे तो, हमें इसमें माइक्रो शिफ्ट मिलते हैं, इसमें शिमानो नहीं आ रहे हैं। माइक्रो शिफ्ट आजकल फायरफॉक्स दे ही जा रहा है और फायरफॉक्स की सभी साइकिल में आपको आजकल माइक्रो शिफ्ट ही देखने को मिलेगा। तो भाई क्या शिमानो से बढ़िया है या फिर बराबर ही है? शिमानो से तो लाख गुना बढ़िया भाई। तो भाई इसका कहना है कि शिमानो से बढ़िया है, बाकी मैं भी थोड़ी चला के देखूंगा, बताते हैं कि सच्ची में शिमानो से बढ़िया है। अच्छी है। हाँ, ब्रेकिंग तो मैंने टेस्ट किया भाई, ब्रेकिंग बहुत जबरदस्त है। तो भाई जो इसके टायर हैं काफी अच्छे लग रहे हैं, कंपनी से जो आए थे वही हैं या फिर आपने अलग लगवाए हैं? कंपनी से आए थे। अच्छा, वही हैं अभी तक, सही है। तो टायर का कैसा, क्या ग्रिप कैसी लग रही है टायर? एक नंबर की है भाई। सब एक नंबर है, कोई नेगेटिविटी कोई चीज जैसे? हाँ, इसका, एक है। जैसे इसका स्टैंड है थोड़ा सा बीच में लग रहा है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है इसका? बहुत प्रॉब्लम है जब चलाता हूं टायर बीच में आता है। अच्छा अच्छा, हां हां, मेनली टायर ये प्रॉब्लम यहां पे आता है। हाँ, वो नॉर्मली साइकिल्स में जो स्टैंड रहता है यहाँ पे रहता है, बट इसमें यहाँ इसका क्या नेगेटिविटी है कि ये जो कई बार ना पैडल में अटकता है और स्टैंड हटाते हैं पैडल में लगता है, तो यार टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर केयरलेसली यूज़ किया जाए तो ये कन्फर्म टूटता है ये वाला स्टैंड, तो इधर इसकी एक नेगेटिविटी है। हाँ, अगर आप इसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और आपको यूज़ करना आता है तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। यस भाई। हाँ, बस मुझे एक गलती लगी। क्या भाई? कि ये ना सीट थोड़ा फटने वाली है इसलिए। सीट भाई, सीट तो यार ज्यादा नहीं चलती है, सीट तो आपको करानी पड़ती है चेंज, बहुत टाइम हो चुका है भाई, 6 मंथ हो चुके हैं, सीट थोड़ी थोड़ी तो फटती है यार, साइकिल की फटती है। मैंने भी अभी 6 साइकिल चलाई है, 6 साल का एक्सपीरियंस भाई, क्या भाई? अभी भी मस्त चलती है ये। हाँ भाई, चलने का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक बार चला के दिखा दो भाई फैंस को। ठीक है भाई। तो भाई यूजर रिव्यू तो काफी अच्छे हैं इस साइकिल के बारे में, तो अभी फर्स्ट टाइम मैं भी देख लेता हूँ कि कैसी है। वैसे ज्यादा चलाई नहीं है, थोड़ी बहुत चलाई है, पर फिर भी एक रिव्यू दे देते हैं छोटा सा कि हमें कैसी लगी और यूजर में कोई डिफरेंस है कि नहीं। बहुत देर से इसे चला रहा हूँ और एक्सपीरियंस जो कि है बहुत अच्छा मिला है। तो भाई मेन चीज है, मैंने इसके शॉकर चेक करना चाहिए कि कैसे हैं, क्योंकि इस पे कोई ब्रांड जो है वो कोई बड़ा ब्रांड है नहीं, तो मैं टेस्ट करना चाहता हूँ शॉकर कैसे हैं, जो कि भाई बहुत औसम है। जैसा कि आपने देखा होगा ब्रेकर पे बहुत स्पीड से गया था पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, टर्निंग भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसका जो हैंडल बार है बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो गियरिंग भी बहुत अच्छी है क्योंकि ऑफ रोडिंग में जाएंगे ना, अगर आप ऑफ रोडिंग में जाते हैं तो जो माइक्रो शिफ्ट है इसका बहुत हेल्प करेगा आपको। तो भाई फाइनली एक लास्ट एंड बता देते हैं कि क्या है, टोटल अच्छी है या बुरी है या नॉर्मल मिड है? तो भाई मैं कहूँगा बेस्ट है भाई, फायरफॉक्स की साइक्लोन मैक्सिमस बहुत चलाई है, इस जैसी कोई नहीं मिली भाई, तो ये बेस्ट है फिलहाल मेरे हिसाब से, मेरी साइकिल से भी बहुत अच्छी है। अगर ये अवेलेबल हो, आपको ऑनलाइन मिल रही हो, तो भाई बिना सोचे ले लो, बस बहुत मस्त है। तो गाइस स्टंट करने के लिए मेरे पास है मेरा बड़ा भाई रेड लवर कुणाल। तो भाई ये फायरफॉक्स है हमारे पास और इस पे आज करेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टंट, और मेरा भाई बताएगा कैसी है साइकिल, 6 महीने इसने इसे चलाया, तो लेके चलते हैं इसे। Oh, 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 oh
भाई हैप्पी हो इसको लेके? यार तुम भी क्या बात कर रहे हो, बहुत हैप्पी हूं मैं इसको लेके। अच्छा भाई चलो ठीक है, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी? आ जाएगी 2-3 में भाई, जल्दी लाया करो यार, आपके फैन आपको मिस करते हैं भाई। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, बाय। क्रिश इंडिया व्लॉग्स भाई, बाय भाई, बाय भाई। भाई एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, इसका जो कलर है ना बहुत ज्यादा शाइनी है, तो अगर आप रात को चलते हो और गाड़ी की लाइट इस पे जो पड़ती है तो भाई आपकी पूरी साइकिल जो होगी वो शाइन मारेगी, और ये बहुत बड़ा एक सेफ्टी पॉइंट भी है आपके लिए कि गाड़ी वालों को आप अलग से दिख जाओगे। नहीं अगर वो पॉसिबल नहीं होता है, मान लो नहीं करती है ये शाइन, तो इसमें आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं बाय कंपनी, और बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है, इमरजेंसी स्टॉप के लिए बहुत अच्छी है ब्रेकिंग भाई, हाइड्रोलिक ब्रेक जितने पावरफुल नहीं है बट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ये डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं इसमें हमारे। ठीक है तो चलो भाई इतनी सी बात थी, हमारी सेफ्टी पूरी है भाई साइकिल में, मजबूत भी बहुत है, और भाई टाइमली सर्विसिंग चलती रहे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सर्विस नहीं कराई है भाई 6 मंथ से, फ्री सर्विस भी नहीं हुई है इसकी, बट अभी तक बहुत वेल मेंटेन्ड है। तो चलो भाई बाय बाय। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब, और साइकिल के बारे में कमेंट। तो भाई एक बार क्रूज करके दिखा दो यार। तो बाय गाइस।